दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, वणक्कम। दोस्तों आज का टॉपिक मेरा वायरस पे है। ह्यूमन बॉडी पर कितने तरह के वायरस अटैक करते हैं, उनका क्या बॉडी पे प्रभाव पड़ता है और उनके इन्फेक्शन से आंख पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मैं डॉक्टर आईपी शुक्ला, आईपी नेत्रालय बैढ़न, आई केयर आई चैनल से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए मैं ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करने वाले, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने वाले 6 तरह के वायरसों का नाम बताता हूं। इनका पहला नाम है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस 2, वेरिसेला जोस्टर, स्टेन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, हर्पेस सिंप्लेक्स 5, हर्पेस सिंप्लेक्स 6। ये 6 तरह के ह्यूमन वायरस हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं और उनसे डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं। इन वायरसों के इन्फेक्शन से बॉडी पे क्या प्रभाव होता है, एक विस्तृत चर्चा है। इसका अलग अलग वीडियो बनाया जाए तभी बताना संभव है। आज मैं हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस 1 और हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस 2 को लूंगा और आँख के संदर्भ में इनकी चर्चा करूंगा। 2 तरह का हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस होता है, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस 2, HSV-1, HSV-2। HSV-1 अधिकतर ओरल इन्फेक्शन करता है, जिसमें मुंह के चारों तरफ, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे लिप के चारों तरफ छोटे छोटे ब्लिस्टर बन जाते हैं, घाव बन जाता है, कोल्ड सोर हो जाता है, घाव जैसा बन जाता है और वो ऑटोमेटिकली हील भी कर जाता है। दूसरा है HSV-2, ये जेनाइटल वायरस है। अधिकतर ये जेनाइटल सिस्टम में, जननांग मूत्रांगों में अधिक पाया जाता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत भी आता है और ये फीमेल में उनके जेनाइटल ऑर्गन में इन्फेक्शन करके वहाँ पर पेनफुल ब्लिस्टर कर सकता है, पेनफुल सोर, पेनफुल घाव कर सकता है और ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरह ट्रांसफर भी होता रहता है। अगर किसी मदर को HSV-2 इन्फेक्शन है जेनाइटल्स में और बच्चे के जन्म के समय अगर बच्चे के आँख में, शरीर में, टच में आ गया तो बच्चे को ऑप्थैल्मिकल नियोडोनम भी कर सकता है, आँख में इन्फेक्शन कर सकता है, माउथ में कर सकता है, इवन डिसिमिनेटेड पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है और कभी कभी तो कुछ बच्चे इतने सीवियर हो जाते हैं, जब डिसिमिनेटेड वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। इसमें वायरल इन्फेक्शन कंटेजियस है, बहुत तेजी छुआछूत से फैलता है। इसके फैलने का माध्यम है किसी के स्किन के टच में आना, किसी के ओरल टच में आना, किसी के घाव पे हुआ हो, उसके सलाइवा कपड़े पे लगा हो, तौलिया में लगा हो, तौलिया का यूज कर लेना, साबुन यूज कर लेना, बर्तन यूज करना जिसमें इन्फेक्टेड आदमी खाया हो, उस आपको बर्तन यूज करने से भी हो सकता है।
एच एस वन वायरस के संदर्भ में ये ओरोलेबियल एरिया में होता है और सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है। दो टाइप का इसका इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी इन्फेक्शन जब होता है तो पेशेंट में ब्लिस्टर हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं और धीरे धीरे ओरो जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। बाद में ये अपने आप ठीक भी हो सकता है, इसको ठीक होने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन होने से सेकेंडरी इन्फेक्शन जब होता है तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन के समय वायरस बॉडी में ही रहता है और न्यूरॉन के थ्रू नर्व सेल में जाके बैठ जाता है, और जब बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फीवर में, जब आदमी का इम्यूनिटी लो होती है, उस समय ये ब्लिस्टर के रूप में ओरल एरिया में, ओरोलेबियल एरिया में ये प्रेसिपिटेट कर जाता है और ये इन्फेक्शन बाहर आ जाता है, और फिर ये समय पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते रह के फिर ठीक हो जाता है। लेकिन रिकरेंट इन्फेक्शन के समय अगर ये इन्फेक्शन आँख में हो गया तो आँख में ये केराटाइटिस करता है, कंजक्टिवाइटिस करता है। कंजक्टिवाइटिस में म्यूकोपुलर डिस्चार्ज होगा, पिंक आई होगी और ग्रेजुअली कंजक्टिवाइटिस ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये कार्निया इन्वॉल्व हो गई, कार्निया इन्वॉल्व होने में ये कार्निया के तीनों चारों लेयर को अफेक्ट करता है। कार्निया में पहली लेयर है फिलियम, दूसरी लेयर है स्ट्रोमा, तीसरी लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल लेयर। इस लेयर को वो चारों लेयर को अफेक्ट करता है। जब एपिथेलियल लेयर इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे ये हर्पिस वायरस डेंड्राइटिक असर करता है, जैसे कोई लकड़ी पेड़ का ब्रांचिंग हो, ऐसा ब्रांचिंग वायरस ये डेंड्राइटिक अल्सर बन जाता है। और वो घाव आँख पे जब हम लोग फ्लोरोसेंट स्टेन करते हैं तो घाव पूरा एक जैसे ब्रांचिंग झाड़ी हो इस तरह से दिखाई पड़ती है। अगर यही ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ तो यही डेंड्राइटिक अल्सर जो झाड़ी नुमा आँख पे हो जाता है, ये आपस में मिल के ज्योग्राफिकल अल्सर कर देता है। ज्योग्राफिकल अल्सर करने में ये अल्सर बड़ा हो जाता है और बड़ा होने पर ये फिर अगर स्किन से इसका टेस्ट किया जाए किसी कार्टन से कार्निया का, तो कार्निया में सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कार्निया में कोई टच कराइए किसी कार्निया में तो बहुत तेज आँख ब्लिंक करती है, लेकिन अगर जिसमें सेंसिटिविटी कम हो गई है वो कार्निया ब्लिंक कहीं नहीं करेगी, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे कार्निया में कोई टच हुआ। इस तरह से हम लोग हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसके आँख में ये अल्सर वायरल है या कोई और टाइप का है। इसके बाद अगर स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया तो स्ट्रोमा इन्वॉल्व होने में 2 तरह के कंडीशन रह के इन्फेक्शन होते हैं, 2 तरह की फाइंडिंग पाई जाती है, एक जिसकी फार्म केराटाइटिस, एक इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। जिसकी फार्म केराटाइटिस और इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में पूरी कार्निया में ओपेक हो जाती है, पूरी कार्निया क्लाउडी हो जाती है, साफ कार्निया एकदम जैसे कोई शीशा घिस दिया जाए इस तरह का उसमें रचना बन जाती है, और किनारे से आँख के किनारे से लिम्बस से नई नई वेसल्स, नई नई धमनियाँ बन के पूरे कार्निया में पहुँचने लगती हैं और कार्निया का रोशनी कम होने लगती है, और अगर ट्रीटमेंट ठीक से न किया गया तो आदमी अंधा हो सकता है। इसके बाद अगर एंडोथेलियल और बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर तक इन्फेक्शन पहुंचता है तो फिर वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाती है और केराटाइटिस और आयराइटिस
आयरिस इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें आयराइटिस हो जाती है, इसको हम लोग क्रेटो यूवियाइटिस कहते हैं, जिसमें यूविया इन्वॉल्व हो गया और उसमें फिर आयराइटिस हो गई। आयराइटिस होने से पूरा का आयरिस इन्वॉल्व हो गया। आयरिस इन्वॉल्व होने के बाद उसका सिम्टम और बढ़ जाता है, फोटोथोपिया, पेन, लेक्राइमेशन, इंटीरियर एसी इंटीरियर चैम्बर के अंदर में ग्रेटिक प्रेसिपिटेट, ये सब चीज साइन में दिखने लगते हैं। इस तरह से आँख के इंटीरियर सेगमेंट को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेता है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। हर इसका डायग्नोसिस हम लोग कॉर्नियल सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, और दूसरा इसको फ्लोरेसेंस स्टेन से करते हैं, और जिसमें स्टेन लेता है फ्लोरेसेंस स्टेन, तो इसका बेस अल्सर का बेस हरा हो जाता है, और इस तरह से उसमें जो ब्रांचिंग डेंड्राइटिक नाब होते हैं वहाँ पे नाब बने रहते हैं। हर्पिस जोस्टर एक वायरस होता है जिसमें सूडो नाब बनते हैं। इवन कोरोना वायरस में भी अल्सर होता है तो उसमें भी सूडो नाब बनते हैं, लेकिन इस डेंड्राइटिक अल्सर में जो किनारे पे गदानुमा रचना बन जाती है वो रियल नाब होता है, और वहाँ पर उसका बेस जो है फ्लोरोसेंट स्टेन से हरा रंग दिखाई पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं तो जब ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन समय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और एंटीवायरल देते हैं। बच्चों में आप फिल्मिंग नियोटोरम करता है, स्किन में इन्फेक्शन कर सकता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन कर सकता है, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस कर सकता है। ऐसे केस में बच्चों को एंटीवायरल इंजेक्शन 20 से 21 दिन तक चलाया जाता है। बड़ों में अगर ओरल सोर कोल्ड सोर ठीक नहीं हो रहा है, मुंह का घाव या जेनिटल घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, पेशाब में जलन हो रही है, यूरोजेनिटल सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया है, पेन हो रहा है, एनल एरिया में पेन हो रहा है, तो फिर वहाँ पे लोकल हर्पेक्स ऑइंटमेंट 5% का हम लोग यूज करते हैं, जो कि 10-15 दिन लगाने के बाद ठीक हो जाता है। आई में अल्सर का ट्रीटमेंट हम लोग एसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, एट्रोपिन, सूदिंग आई ड्रॉप, सम जस्ट लाइक कलवाक्सिन बताए सुन लो, एंड पेंथजेल। सम टाइम इसमें स्टेरॉयड हम नहीं देते जब तक इथिलियम इन्वॉल्व है। इथिलियम इन्वॉल्व है, अगर स्टेरॉयड देंगे तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर डिस्की फार्म और इंटरस्टिशियल फार्म में ये इन्फेक्शन आ गया है, स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया है, तब स्टेरॉयड के साथ एंटीबायोटिक और एंटीवायरल देते हैं, एट्रोपिन साथ में ऐड कर देते हैं, तब ये कुछ रिजल्ट बेहतर देता है। अगर क्रेटो यूवियाइटिस हो गई है तो उस समय भी एंटीवायरल, एट्रोपिन, स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी जस्ट लाइक नेपाल एक्ट, नेपाफ्लाम दिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट समय पे ना हुआ, डिलेड हो गया, तो पूरी कॉर्निया खराब हो सकती है, और अगर यूवियाइटिस का ट्रीटमेंट भी समय पे ना हुआ तो ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ पूरी कॉर्निया भी हैज हो जाती है, और फिर विजन बहुत कम हो जाता है, तो केराटोप्लास्टी भी करनी पड़ सकती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। स्ट्रोमल इन्वॉल्व होने पे ये कंडीशन बन जाती है कि कॉर्निया के ऊपर धीरे धीरे नई वेसल्स बन जाती हैं, पूरी कॉर्निया हेज हो जाती है, धुंधली हो जाती है, और केराटोप्लास्टी करके ही फिर इसको ठीक किया जाता है। और केराटोप्लास्टी तभी की जाती है जब ये श्योर हो जाए कि कॉर्निया में अब इन्फेक्शन नहीं है। अगर कॉर्निया में जरा भी इन्फेक्शन है और नई कॉर्निया हम
ट्रांसप्लांट केराटोप्लास्टी से करेंगे तो वो कॉर्निया भी री इन्फेक्ट हो जाएगी और फिर उसमें वो भी फिर खराब हो जाएगी। इस तरह से एक ह्यूमन HSV-1 HSV-2 ये बहुत सिंपल वायरस है, ये आदमी के साथ ही रहते हैं, ये आदमी के अंदर एक बार आ गए जाते नहीं हैं। इम्यूनिटी लो होने पे ये शरीर के विभिन्न अंगों में बीमारियां करते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो इंसेफेलाइटिस बाउल में कर देते हैं, और प्रेग्नेंट मदर को जो कि जब बच्चा पैदा करती है तो उसके बच्चा को पैदा होते समय ये बीमारी लग सकती है और बच्चा इवन मर भी सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो कि कोई आदमी कोई बच्चा पैदा हुआ और जिसको मुंह में ओरल सिंप्लेक्स वायरस ओरल HSV-1 हुआ है, हर्पिस का इन्फेक्शन है, हाथ में हर्पिस का इन्फेक्शन है या जेनिटालिया में इन्फेक्शन है, तो ऐसे आदमी को कभी भी किसी न्यू बॉर्न को किस नहीं करना चाहिए। और ये एक अपना सिविक सेंस है, अपना एक मेडिकल नॉलेज है कि जब भी कोई बच्चे को इन्फेंट को छू देखने जाएं तो आप बच्चे को शरीर को बिल्कुल न टच करें, दूर से देखें, क्योंकि बच्चा बहुत ही वल्नरेबल है, उसको कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। और जिसमें कि यह हर्पेस सिंप्लेक्स एक सिंपल वायरस है जो कि किसी के हाथ में, किसी के नाखून में, किसी के मुंह में हमेशा रहता है और वो बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए ये समय समय पे लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए कि बच्चे को इससे बचाया जाए, और अगर मदर को इन्फेक्शन है या फादर को इन्फेक्शन है तो वो बच्चे को किस न करें, बच्चे से दूर रहें। और बच्चे को डॉक्टर को भी चाहिए कि बच्चे को हर्पेस का ट्रीटमेंट तुरंत कर दें जिस मदर को हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस जेनिटल वायरस इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ा वायरस, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पूरा मैं नहीं कवर कर सकता, लेकिन आँख के संदर्भ में जितना हो सका मैं आपको बताया, हो सकता है कि आपको इससे फ़ायदा पहुंचा हो। थैंक यू।